to all the student of class 5. Student of class 5, welcome in your SST class. So students, in previous classes, what we study? We started the new chapter that is living longer and healthier. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर मतलब लंबे समय तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे इस चैप्टर का नाम है और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को देखे थे कि प्रीवियस टाइम इन ओल्ड डेज टाइम जब किसी को कोई डिजीज होता था तो लोग ये समझते थे कि इसके बुरे कर्मों का ये परिणाम है बट डे बाई डे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हुई और अब अगर किसी को डिजीज होता है तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि पता लगाया जा सके एंड उसको डिटेक्ट किया जा सके एंड उसका उसको वो मेडिसिन दिया जा सके। सो कल की क्लास में हम लोगों ने थर्मोमीटर माइक्रोस्कोप लाइक स्टेथोस्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी द एक्सरे मशीन एक्सरे एंड स्कैनर एंड अदर थिंग्स। ओके सो स्टार्ट स्टूडेंट्स जस्ट ओपन योर बुक एंड स्टार्ट X-ray machine. What X-ray machine? X-ray were discovered by William Conard in 1896 में X-ray को discovered किया किसने? William Conard ने. It takes the picture of the inside body parts of human body. X-ray मशीन क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट में कोई अगर बीमारी है या फिर कहीं चोट लग गई है कहीं फ्रैक्चर हो गया है कोई भी आपको इंटरनल प्रॉब्लम है तो बाहर से किसी को दिखता नहीं है बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन लाइक एक्सरे मशीन तो ये बहुत ज्यादा हेल्प होता है और अगर हमारे बॉडी में कहीं इंटरनल इंजरी हुई है तो वो क्या करता है उसका इंटरनल पिक्चर लेता है जिसकी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ चोट लगी है उसका इंटरनल पिक्चर लेता है और वो ह्यूमन के सामने रखता है डॉक्टर के सामने रखता है और एंड उसके बाद हमारा इलाज होता है। एक्सरे आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फीचर्स फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन जब हमारे बोन में कहीं चोट लगती है या हड्डी हाथ पैर टूट जाता है तो सबसे पहले एक्सरे होता है कि कहाँ का बोन टूटा है और कितना ज्यादा फ्रैक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो एक्सरे मशीन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना है स्टूडेंट्स तो एक्सरे मशीन वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय विलियम कोनार्ड। व्हाट अदर एक्सरे मशीन डू इट टेक्स द इंटरनल पिक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर इट हेल्प द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन लाइक द ब्रेन। ओके स्कैनर मेनली ब्रेन वगैरह को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है अगर कोई इंजुरी है इंटरनल इंजुरी है ब्रेन में तो उसके इंटरनल पार्ट का फिगर आउट करता है ये स्कैनर ये पता लगाता है कि ब्रेन में क्या हुआ है और आगे देखते हैं कि क्या है। लैबिंग टीम आर नॉट वाइडली यूज टू ट्रीट पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट। सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक कैट स्कैन अल्ट्रासाउंड वर्ड हमने बहुत सुना है एंड MRI द डॉक्टर्स टू गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एक्सरे जो है वो फ्रैक्चर वगैरह के लिए मेनली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड स्कैनर जो है वो इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं ECG इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम एंड EEG इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरोग्राम आर यूज टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन। ये हार्ट और ब्रेन के मूवमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसको वॉच आउट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। लेजर लाइट्स फॉर द एम्प्लीफिकेशन टू स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कटिंग द बॉडी। लेजर लाइट का यूज किया जाता है इन ऑपरेशन विदाउट कटिंग द बॉडी। सो दीज आर द फैक्ट अबाउट एक्सरे मशीन एंड स्कैनर। ओके नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेडिसिन। अब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ओके सो सबसे पहले आप इसको रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स आप लोगों ने उस टॉपिक को रीड कर लिया होगा एंड श्योर नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का मशीन को लेके नहीं बल्कि मॉडर्न मेडिसिन को लेके है। मॉडर्न मेडिसिन मतलब आधुनिक दवाइयां को लेके है कि आधुनिक दवाइयां आपकी कौन कौन सी हमारे बीच
हुए हैं और किस किस बीमारियों से वो हमें बचाती है. बिकॉज स्टूडेंट इन प्रीवियस टाइम लॉट्स ऑफ मेडिसिन वर नॉट अवेलेबल, बहुत सारे बीमारियों की मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती थी. ये भी वजह है एक अंधविश्वास का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करें, मेडिसिन उपलब्ध नहीं था और लोग भगवान के भरोसे वो बीमारी भी छोड़ देते थे और लोगों को मरने के लिए भी छोड़ देते थे. That's why a medicine has changed the life of a lot of people. Okay, and generation by generation, modern medicine brought a deal of change among the people attitudes. People का जो attitude है towards disease, medicine की वजह से बहुत ज़्यादा change हुआ है वो. Okay, so now जैसे हम लोग कहते हैं कि quinine when the treat of malaria, malaria जैसा जो बीमारी है जिसका पहले इलाज नहीं था, but जब medicine आया तो लोगों का attitude बदलने लगा. बीमारी जो है वो किसी के भगवान की देन नहीं है या फिर किसी के कर्मों की वजह से नहीं होती है, वो किसी को भी हो सकती है एंड उसका इलाज है, उसका इलाज किया जाना चाहिए. पेशेंट को ना मेंटली टॉर्चर करना चाहिए और ना भगवान भरोसे उसको छोड़ना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स. ओके, तो पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक आया था वो था पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर्ड किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928. एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक्स आर ड्रग विच चेक द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द जर्म. एंटीबायोटिक क्या करता है? ये चेक करता है कि हमारे बॉडी में कितना ग्रोथ हुआ है जर्म्स का, बैक्टीरिया को, तो उसको किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक्स. फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वाज डिस्कवर्ड बाय सबसे पहले वो डिस्कवर्ड हुआ था एंड वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म. ओके, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है. जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म टू द वर्ल्ड इन मेडिसिन. दवा की दुनिया में, मेडिसिन के वर्ल्ड में जो है जेम्स ने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म. अब वो क्या है वो हम जानते हैं. इट इज यूज टू मेक पर्सन अनकॉन्शियस. ये जो है वो पर्सन को अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है. ओके, बिफोर एन ऑपरेशन पर्सन मेड अनकॉन्शियस सो दैट नॉट फील द पेन. जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है या फिर किसी की इंटरनल ऑपरेशन होती है या फिर किसी का ऐसा चीज किया जाता है जिससे कि उसको पेन होगा, तो उस समय ये क्लोरोफॉर्म को दिया जाता है कि ताकि वो बेहोशी की हालत में आ गया और उसको फील ना हो पाए उतना ज्यादा पेन. जैसे किसी के बॉडी को काटा जा रहा है तो कितना ज्यादा पेन हुआ, उस समय क्लोरोफॉर्म को दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए और उसका ऑपरेशन सही से हो सके. सो नेक्स्ट है हमारा सर्जरी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज का जो आपका वर्ड है वो है ओके, आज का जो आपका वर्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है आपको. HW जो है वो क्वेश्चन नंबर ए का वन टू